हमारे भारत में कृषि के ऊपर विशेष जोर दिया जाता है, उसमें दूध का उत्पादन भी एक प्रमुख अभिन्न अंग माना जाता है कृषि का। हमने ये देखा है कि हमारे इंडिया में कुछ एरियाज में कुछ लोग नकली दूध का धंधा करने लगे हैं। वो क्या करते हैं कि जब गर्मियों के दिनों में दूध का प्रोडक्शन कम हो जाता है, या यूँ कहिए कि दूध की रिक्वायरमेंट डिमांड ज़्यादा हो जाती है, उन दिनों वो नकली दूध बनाने लगते हैं। नकली दूध बनाने के लिए वो डिटर्जेंट, सोडा, यूरिया का इस्तेमाल करते हैं, और कभी कभी वो जो असली दूध है उसको पानी से डाइल्यूट करके उसमें भी यूरिया मिला देते हैं। इन नकली दूध में जो मेन कंपोनेंट है यूरिया, बहुत हानिकारक होता है और ये हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, या जिगर की बात करें, हृदय को बात करें, या आँखों की रोशनी को बात करें, तो इसको नुकसान पहुंचा सकता है। तो अभी तक जो टेस्ट अवेलेबल थे, डिटर्जेंट टेस्ट कर सकते थे हम लोग, स्टार्च टेस्ट कर सकते थे, यूरिया भी टेस्ट कर सकते थे, लेकिन उसके लिए हमें सैंपल को लैब में ले जाना पड़ता था। तो हमें एक ऐसी तकनीक चाहिए थी जो कि हम फील्ड में यूज़ कर सकें, जहाँ पर हम बड़ी डेयरीज वाले दूध कलेक्ट करते हैं, वहीं फील्ड पर, रोड साइड पर दूध को चेक कर सकें कि वो दूध नकली तो नहीं है, उसमें डिटर्जेंट, सोडा, पर्टिकुलरली यूरिया को टेस्ट कर सकें। या गृहिणी जो दूध ले रही हैं घर में, या कोई भी लेमन दूध ले रहा है घर में, वो अपने घर में दूध को टेस्ट कर सके कि वो दूध नकली तो नहीं है, उसमें यूरिया, डिटर्जेंट, सोडा वगैरह तो नहीं मिला हुआ। डिटर्जेंट और सोडा के लिए ऑलरेडी फील्ड टेस्ट अवेलेबल हैं, वो कोई भी आदमी या कोई भी एंटरप्रेन्योर किट बना सकता है, लेकिन यूरिया के लिए पर्टिकुलरली हमें सैंपल को फील्ड से लेबोरेटरी में ले जाना पड़ता था। उसको टेस्ट करने के लिए एक इजी आसान तरीका हमने बनाया, उसमें एक पर्टिकुलरली एक सॉल्यूशन का इजाद किया हमने। इस सॉल्यूशन से हम लोग दूध को फील्ड में या बड़ी डेयरीज वाले रोड साइड पर जो मिल्क कलेक्ट करते हैं कंटेनर्स को, इंडिविजुअल कंटेनर को टेस्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर कंटेनर में यूरिया मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है। इस टेस्ट का प्रिंसिपल ये है कि इस इंडिकेटर सॉल्यूशन को हम फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं, उसी बूंद के ऊपर हम जो दूध टेस्ट करना है उसको डाल दिया जाता है। उन दोनों के बीच दूध में अगर यूरिया मिला हो और इंडिकेटर के बीच एक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से पीले रंग का छल्ला डेवलप हो जाता है उस दूध के चारों तरफ, वो ये दर्शाता है कि उस दूध में यूरिया मिक्स किया हुआ है। अगर उस दूध में यूरिया मिक्स नहीं किया हुआ या वो नकली दूध नहीं है, तो पीले रंग का छल्ला नहीं बनता है और दूध वाइट का वाइट रहता है। इस टेस्ट की खासियत यह है कि इसको कोई भी लेमैन, अनपढ़ आदमी, हाउसवाइफ्स अपने घर पे कर सकती हैं। बहुत ही सस्ता है, केवल ₹3 में एक टेस्ट का खर्चा आता है, जो कि घर पे किया जा सकता है। दूसरा एप्लीकेशन इस टेस्ट का है कि बड़ी डेयरीज वाले जो दूध कलेक्ट करते हैं, वो फील्ड में रोड साइड पर इस टेस्ट को वहीं ऑन द स्पॉट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि उस दूध में यूरिया डला हुआ है या नहीं डला हुआ। इसके बारे में अगर हम ये बात करें कि यूरिया के लिए हमने किट बनाया है, तो ये कहना चाहूँगा कि यूरिया के लिए अभी तक कोई ऐसा फील्ड टेस्ट अवेलेबल नहीं था जो कि फील्ड में किया जा सके या गृहिणी अपने घर पर कर सके, तो हमने इसको डेवलप कर लिया। जहाँ तक बात रही कि कमर्शियलाइजेशन के लिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर्स इस सॉल्यूशन को बनाने का तरीका हमसे ले सकता है, लाइसेंसिंग ले सकता है यूनिवर्सिटी से, लेकिन वो नॉन एक्सक्लूसिव लाइसेंस होगा, जिसके लिए उसको पर्टिकुलर फीस देना पड़ेगा, और हम उसको ये फार्मूला बताएंगे, वो इस यूरिया जांचने की सॉल्यूशन को अपनी किट में डाल सकते हैं। उसके साथ साथ वो उसी किट में डिटर्जेंट, सोडा या स्टार्च जांचने की विधि को भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, और एक कंबाइंड किट बना करके आम आदमी के लिए या बड़ी डेयरीज के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। हमारे इस यूरिया किट की बात करें, तो हमने इसकी खोज लगभग
8-10 साल पहले किया था, 2004 में इसको हमने पेटेंट के लिए अप्लाई किया था नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के थ्रू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, और इसका हमें पेटेंट 2012 में 6 जनवरी 2012 में मिला। इस किट को बनाने में हमें लगभग 6 महीने का समय लगा। इस किट के बारे में अगर हम बात करें कि ये कैसे काम करती है, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक सॉल्यूशन है जिसे हमने इंडिकेटर सॉल्यूशन का नाम दिया, यूरिया इंडिकेटर सॉल्यूशन, इसको बनाया है और इसको हम फिल्टर पेपर के ऊपर डालते हैं, उसके एक बूंद और दूध टेस्ट करना हो उसके ऊपर डालते हैं, और उनमें एक केमिकल रिएक्शन होता है जो कि एक पीले रंग का एंड प्रोडक्ट बनाती है, जो कि हम फिल्टर पेपर पर देख सकते हैं एक रिंग की फॉर्म में, उस दूध के चारों तरफ एक पीले रंग का छल्ला बन जाता है। अभी तक हमने आम आदमी के लिए इसको एक किट का फॉर्म दे दिया है, और ये हमारे CCSHU हिसार के 4 नंबर गेट पर किसान सेवा केंद्र है, वहाँ पर अवेलेबल है। एक किट में 30 सैंपल टेस्ट किए जा सकते हैं, और उस किट की कीमत हमने सिर्फ 100 रुपये रखी है, और वहाँ से कोई भी उसको खरीद सकता है। अगर कोई एंटरप्रेन्योर या कोई बिजनेसमैन इसे लेना चाहता है, तो वो हमारे कॉलेज में बिजनेस प्लानिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट है वेटनरी कॉलेज का, उसके थ्रू रिक्वेस्ट दे करके इसका लाइसेंस प्राप्त कर सकता है। वह लाइसेंस हम नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पर देंगे, जिसकी पर्टिकुलर कुछ फीस होगी और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए होगा, और वो एंटरप्रेन्योर उस किट को बना सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि उसमें वो डिटर्जेंट, सोडा और स्टार्च, दूसरे टेस्ट भी इंक्लूड करके कंबाइंड किट का रूप दे करके आम आदमी को उपलब्ध करवा सकता है। इसको बनाने के लिए कोई ज़्यादा हमें स्पेस की जरूरत नहीं है, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी लैब चाहिए जिसमें हमें डिफरेंट केमिकल्स को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाना है। अगर दूसरे टेस्ट भी इसमें इंक्लूड करने हैं, तो उनके लिए भी सिंपल सॉल्यूशंस बनाने हैं, और एक किट में, एक डिब्बे में इसको हम पैक करके आम आदमी के लिए उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था कि कोई एंटरप्रेन्योर अगर इस टेस्ट को लेना चाहता है और वो अपने किट फॉर्म में उसको सेल करना चाहता, बेचना चाहता है, तो उसमें वो डिटर्जेंट, सोडा और स्टार्च का टेस्ट भी इंक्लूड कर सकता है। जैसे कि सोडा टेस्ट के लिए बात करें, तो एक स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ऑलरेडी लिटरेचर में है, जिसमें 1% रोजैलिक एसिड के साथ वो केमिकल को उपलब्ध करवा सकता है उसमें, और वो रोजैलिक एसिड या जो है सोडा टेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। दूसरा हम बात करें, स्टार्च की बात करें, तो उसके लिए 1% आयोडीन सॉल्यूशन चाहिए होता है, उसको आप किट में उपलब्ध करवा सकते हैं, और किसी भी मिल्क सैंपल में स्टार्च को टेस्ट कर सकते हैं। अगर हम डिटर्जेंट की बात करें, तो उसमें 1% ब्रोमोक्रिप्सोल पर्पल सॉल्यूशन हम उसमें प्रोवाइड कर सकते हैं, और डिटर्जेंट को उस किट में टेस्ट, उस किट के द्वारा टेस्ट कर सकते हैं। ये 3-4 चीज़ें हैं, अगर हम इन 3-4 चीज़ों का टेस्ट करने की विधि एक किट में उपलब्ध करवा दें, तो कोई भी आदमी सिंथेटिक मिल्क को पहचान सकता है, क्योंकि ये 3-4 चीज़ें ही ऐसी होती हैं जो सिंथेटिक मिल्क बनाने में काम आती हैं, और उसमें से यूरिया सबसे हार्मफुल होता है। जो हमारी किट में यूरिया डिटेक्ट करने की क्षमता है, ये 0.2% और उससे अबव, उससे ऊपर की मात्रा को डिटेक्ट करता है। नॉर्मली सिंथेटिक मिल्क बनाने के लिए 0.9 से लेकर 1% तक का यूरिया यूज़ किया जाता है, ताकि नॉर्मल मिल्क के मुकाबले या कंपैरिजन में 4-5% प्रोटीन उसमें दिखाया जा सके। इसलिए हमारे किट अगर सिंथेटिक मिल्क बना हुआ है, तो उसको 5 टाइम तक डाइल्यूशन होने के बावजूद यूरिया उसको डिटेक्ट, यूरिया को डिटेक्ट करता है। ये दूध है जो नॉर्मल दूध है, इसमें हम यूरिया मिलाएंगे और उसके बाद हम आपको टेस्ट करके दिखाएंगे कि यूरिया उसमें कैसे डिटेक्ट करता है। ये यूरिया है जिसको हम उस दूध में मिलाएंगे।
ये इंडिकेटर सॉल्यूशन है जिसको हमने डेवलप किया है। ये एक फिल्टर पेपर है जिसको इसके ऊपर अब आइए, हमारे पास दो शीशी हैं, इसमें एक में नकली दूध है जिसमें यूरिया मिला हुआ, एक असली दूध है। अब हम इसको इस बूंद के ऊपर डालेंगे मिल्क को टेस्ट करने के लिए, और उसमें से ये पता लगेगा कि कौन से दूध में यूरिया मिला हुआ है, कौन से दूध में यूरिया मिला नहीं। ये एक दूध सैंपल का डाल दिया हमने, दूसरा सैंपल आप इसमें देख सकते हैं, जैसे कि दो सैंपल थे, एक नॉर्मल सैंपल था, एक ऐसा दूध था जिसमें यूरिया मिला हुआ था। इस सैंपल के चारों तरफ ये पीले रंग का छल्ला बनना शुरू हो गया है, इस सैंपल के चारों तरफ कोई भी कलर डेवलप नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस टेस्ट का प्रिंसिपल यही है कि जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है दैट वो यूरिया के साथ रिएक्शन दे करके पीले रंग का एंड प्रोडक्ट बनाता है जो कि हमें फिल्टर पेपर के ऊपर दिख जाता है। ये हमने इसमें जो दूध डाला था उसमें पीले रंग का छल्ला बन गया है और दूसरे मिल्क सैंपल में कोई कलर डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सैंपल जो है दूध का, इसमें यूरिया मिक्स किया हुआ है, इस दूध के सैंपल में यूरिया नहीं डाला हुआ। इसको इस चीज़ को हमने एक किट के रूप में डेवलप कर दिया है। जैसे ये किट है, इसमें हमने सभी चीज़ें अवेलेबल करवा दी हैं। जो लैब में हम इस बड़े फिल्टर पेपर को यूज़ कर रहे थे, इसमें हमने फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दी हैं, 30 स्ट्रिप्स हैं। ये ड्रॉपर है मिल्क सैंपल जो टेस्ट करना है हमने, ये रिंग है जिसके ऊपर आपको ये फिल्टर पेपर की स्ट्रिप रखनी है, ये फोर्सेप है जो कि इस फिल्टर पेपर को उठा करके इस रिंग के ऊपर रखने के लिए, और ये सॉल्यूशन है जो कि इस किट में अवेलेबल करवा दिया है। उसके बाद ये कोई भी आम आदमी, कोई भी गृहिणी अपने घर पर इस टेस्ट को आराम से कर सकती है, या बड़ी डेयरीज वाले जो फील्ड में सैंपल अपना दूध कलेक्ट करते हैं वहीं रोड साइड पर मिल्क को टेस्ट कर सकते हैं कि उस दूध में यूरिया मिक्स तो नहीं किया हुआ। अगर उसमें दूध में यूरिया मिक्स किया तो उस दूध को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो वाले फिल्टर पेपर हैं, एक सैंपल के लिए एक फिल्टर पेपर यूज़ होता है, एंड वी कैन हम इसको यूज़ कर करके। थैंक्स।